Welcome students to Tapon Group of Schools, Standard 3rd, and we were with our chapter Jogs and Mugs. Last session में हमने देखा था यहाँ तक, ठीक है, कि आपको guess करना था कि आप कितना पानी पीते हो, ठीक है, 154 पेज पे. अब now this is 155 page number, और यहाँ पे दिया गया है bottles and buckets. अब आपको different यहाँ पे vessels दिए गए हैं to store the water, ठीक है, और इसके ऊपर से आपको क्या करना है, मेजर करना है. नाउ गेट 1 लीटर बॉटल एंड कैन बी एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, ऑयल एक्सेट्रा. अब आपको 1 लीटर की बॉटल लेनी है, कोई भी होगी, ऑयल की होगी तो भी चलेगा, बट इट शुड बी एम्प्टी, मतलब कि खाली होनी चाहिए. नाउ कलेक्ट सम बॉटल्स एंड अ मग. अब आपको थोड़ी बॉटल्स और मग कलेक्ट करने के लिए बोला है, ठीक है, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा एट योर हाउस. जो भी आपके घर पे है, बाउल है, बकेट है, मग है, वाटर को मेजर करने के लिए. नाउ यूज 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दिस होल्ड्स मोर देन 1 लीटर. अब आपको क्या करना है, 1 लीटर की बॉटल यूज करनी है, ठीक है, और देखना है कि कौन सा जो वेसल है उसके अंदर ज़्यादा पानी स्टोर होता है, ठीक है, विच वन होल्ड्स लेस देन 1 लीटर. अब आपको ये भी देखना होगा, 1 लीटर की बॉटल के अंदर आपको क्या करना है, इस बॉटल के अंदर आपको पानी भरना है और फिर जो भी वेसल्स है आपके घर में उसके अंदर पॉर करना है, डालना है, ठीक है. जैसे कि मग हो गया, ओके, तो आप क्या करोगे, ये 1 लीटर का पानी इसके अंदर डालोगे, फिर ये बकेट हो गई आपकी, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर भी क्या करना होगा, डालना होगा आपका पानी, ठीक है. नाउ मेक स्मॉल ड्राॅइंग इफ यू लाइक, और आपको छोटे छोटे ड्राॅइंग्स ड्रॉ करके यहाँ पे लिखना होगा कि किसके अंदर 1 लीटर से अबो पानी होगा, मतलब कि मोर देन 1 लीटर, और किसके अंदर 1 लीटर भी पूरा नहीं आप फिल कर पाओगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा उसमें से. सो नाउ देखो, तो यहाँ पे लेस देन के अंदर इसने बाउल लिखा है, ठीक है, तो सोचो कि कौन कौन से वेसल्स आपके घर में है जिसके अंदर पानी 1 लीटर से कम आता है. जैसे कि पहला हो गया आपका ग्लास, ओके, अब ग्लास के अंदर क्या होगा, आपका 1 लीटर पानी नहीं आ पाएगा, ओके, ये हो गया आपका ग्लास, ठीक है. फिर कौन सा, फिर हो गई आपकी बॉटल, छोटी बॉटल होगी, उसके अंदर भी नहीं आएगा पानी, ठीक है, ये छोटी सी बॉटल आपकी, ओके. अब है यहाँ पे सोचो कि मग, ठीक है, मग के अंदर भी पानी नहीं आएगा, ओके, तो मग के अंदर भी लेस देन 1 लीटर होगा. अब यहाँ पे सोचो कि आपके घर में ऐसे कौन से वेसल्स है जिसके अंदर 1 लीटर से अबो पानी आएगा, जैसे कि हो गया हमारा जग, ठीक है, चैप्टर का नाम है वही यूज कर लेते हैं, जग, जैसे कि ये आपका जग हो गया, ऐसा ही कुछ होता है इसका शेप, ठीक है. अब ये बड़ा है, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है. अब हो गया आपका कुकर, कुकर, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होगा, पानी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, बड़ा होगा, हियर इट इज स्मॉल इन साइज, ठीक है. फिर आ गया आपका पैन, कुकिंग का जो पैन होता है वही, उसके अंदर भी क्या होगा, आ जाएगा पानी, ठीक है, ऐसा होता है. नाउ यू हैव टू राइट टू बाई योर ओन सेल्फ. अब आपको दो जो नीचे दिए गए हैं वो अपने आप से ही सोच के लिखना होगा, ठीक है, इट्स योर होमवर्क. नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर होम. अब आपकी जो बकेट्स होती है वो आपको देखना है, गेस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड. अब आपको गैसिंग करनी है कि कितने लीटर पानी उस बकेट के अंदर आता है, ठीक है. यूज 1 लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गैस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स. अब आपको जितनी भी आपके घर में बकेट्स है, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3 ऐसे लेनी है, फिर आपको गैस करना है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा. जैसे कि मैंने गैस कर लिया कि 5 लीटर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी. फिर मुझे क्या करना है, अपनी जो बॉटल है उसके हेल्प से मेजर करना है. जैसे कि 1 लीटर की बॉटल है तो मेरी जो बॉटल है वो कितनी बॉटल्स मुझको उसके अंदर डालनी होगी, तब वो बकेट फुल होगी, ठीक है.
ओके okay, तो ये आपको क्या करना होगा, पहले अपने आप से लिखना होगा कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 6 लीटर 7 लीटर 12 लीटर्स आएगा, ठीक है। बाद में आप क्या करोगे, अपनी जो 1 लीटर की बॉटल होगी घर पे, वो बॉटल से ही क्या करोगे आप, पानी उसके अंदर भरोगे, ठीक है। तो आपको आइडिया आएगा, जैसे कि आपको 6 बॉटल चाहिए तो कितना होगा 6 लीटर्स, ठीक है। आपको 8 बॉटल चाहिए तो कितना होगा उसका मेजरमेंट, 8 लीटर्स, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना होगा, अपने आप से ट्राई करना होगा, ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे दिया गया है मैच द राइट पेयर्स, आपकी जो पैर है उसको आपको राइट करेक्टली मैच करना है, ठीक है, दिए गई है आपको पैर। अब सोचो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए गए हैं कि किसके अंदर कितना जो लिक्विड होगा, मतलब कि पानी है या कुछ भी वो होगा, ठीक है। ये मिल्क का है तो इसके अंदर मिल्क कितना आएगा, ये पानी की टंकी है तो इसके अंदर पानी कितना हम लोग भर सकते हैं, ये बाल्टी के अंदर पानी कितना भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई ड्रॉप्स की बॉटल है तो इसके अंदर कितना लिक्विड होगा उसका, ठीक है, वो आपको मेजर करना होगा। अभी तो मेजर नहीं हो सकता तो आपको क्या करना होगा, गैसिंग के थ्रू इसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। कम ऑन गैस, यहाँ पे वो बोला गया है कि चलो गैस करो, ठीक है, ओके। नाउ अब देखो सबसे बड़ी क्या है, ये टंकी है पानी की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट कहाँ किसका है, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 12 लीटर्स, लेस देन हाफ लीटर, अबाउट 5 लीटर्स और 1000 लीटर्स, ठीक है। तो ये टंकी बड़ी है, इसके अंदर कितना पानी आ जाता होगा, 1000 लीटर्स, ठीक है। तो वी विल मैच 1000 लीटर्स विथ दिस वाटर टैंक, ओके। नाउ अब लिखा है अबाउट 12 लीटर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अबाउट 12 लीटर्स। अब ये 12 लीटर्स है तो 12 लीटर्स में देखो क्या है, एक है हमारी बकेट, तो 12 लीटर्स विल गो विद द बकेट। अब यहाँ पे है लेस देन हाफ लीटर, तो देखो हाफ लीटर किसके अंदर आ सकता है, लेस देन हाफ मतलब कि हाफ लीटर से भी कम किसके अंदर होगा, आई ड्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो आई ड्रॉप को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, लेस देन हाफ लीटर के साथ, ठीक है।